द बिहार टॉप इस सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रत्नेश पांडे। बिहार में बालू खनन से जुड़ी खबरें हम आपको लगातार बताते रहे हैं। एक बार फिर से बिहार में बालू खनन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। आप सभी को पता है कि बिहार में अवैध रूप से बालू कितने खनन किए जाते हैं, जिस वजह से सरकार काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है। और इन्हीं परेशानियों से दूर होने के लिए सरकार ने कई तरह के चीज़ें अपनाई, कई सरकारी कदम भी अपनाए, बालू माफियाओं पर कई तरीके से कार्रवाई भी की गई। लेकिन बावजूद इसके बिहार में अवैध रूप से बालू का जो खनन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अवैध रूप से बालू खनन होने के बाद जो बंदोबस्तदारी हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। कई आपने पिछली बार एक खबर हमने आपको दिखाया था कि बालू अवैध रूप से बालू खनन मामले में बड़ा खुलासा जो है वो किया गया। बड़ा खुलासा करने के बाद जो खुलासा हुआ उसमें ये दिखाया गया कि CNG की एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट में उसने ये हवाला दिया था कि बिहार में अवैध रूप से बालू खनन का तांडव किस तरीके से मचा हुआ है और अवैध रूप से बालू खनन के बाद जो ढुलाई में गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ है उसमें एक कार है, उसमें मोटरसाइकिल है, इतना तक कि उसमें एम्बुलेंस भी यूज किया गया है, साथ ही साथ ई रिक्शा भी यूज किए गए हैं। तो इस तरीके के बड़े खुलासे CAG के रिपोर्ट में आई थी, जिस वजह से बिहार में अवैध बालू खनन को लेकर के बड़ी अपडेट जो CAG की रिपोर्ट में आई उससे कहीं ना कहीं काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण वो रिपोर्ट थी कि इतने कुछ लगाने के बावजूद भी बिहार में अवैध रूप से बालू खनन हो रहा है। अवैध रूप से बालू खनन को देखते हुए बिहार में 25 दिसंबर तक कोर्ट के आदेश के बाद 25 दिसंबर तक बिहार में बालू खनन पर रोक लगा दी गई थी। ये कहा गया था कि बंदोबस्तदारी अपना आवेदन दे, तमाम सुरक्षा व्यवस्था अपनाएं, जिसके बाद बालू खनन किया जाएगा। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि बिहार में 31 मार्च तक के बालू खनन को जो है मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ, 25 दिसंबर तक ही थी लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक बालू खनन की मंजूरी दे दी है। आपको बताएं कि जब पटना हाई कोर्ट ने जब आदेश जारी किया था उसमें कहा था कि 25 दिसंबर तक ही बालू खनन बिहार में किया जाएगा, यानी इसी 25 दिसंबर तक आज की घटना थी, आज तक मतलब बिहार में बालू खनन किया जाना था। उसके बाद बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार को बड़ी राहत मिली और 31 मार्च तक के बालू खनन को मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ, साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो भी बंदोबस्तदारी हैं वो जल्द से जल्द आवेदन कर दें और आवेदन करने के बाद वो बालू खनन आसानी से कर सकते हैं। तो अब बालू खनन 31 मार्च तक होगी। अब खान एवं भूतत्व के द्वारा ये अप्लाई किया गया था, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई थी जिसके बाद सुनवाई हुई और सुनवाई में बड़ा फैसला जो है वो सामने आ गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए द बिहार टॉप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए। बालू से संबंधित तमाम अपडेट्स लगातार हम आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।